ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं आपकी दूसरी शादी कराऊंगी। सजनी मगर मैंने तो तुमको आज तक कुछ नहीं कहा। अपने शौहर की दूसरी शादी, अजीब लड़की है, मैं तो ऐसा कभी भी ना करूँ। मगर मैं आपको औलाद जैसी नेमत नहीं दे पाई, आपने या आपके घर वालों ने कभी कुछ नहीं कहा। लो भला, ये क्या बात हुई, औलाद नहीं हो रही तो शौहर की दूसरी शादी, मैं कुछ नहीं जानती, ये भी नहीं सोच रही कि लोग क्या कहेंगे। वाह भाई, क्या खूब बीवी है, खुद अपने शौहर की दूसरी शादी करवा रही है। वाकई मैंने आज तक ऐसी बीवी नहीं देखी, बस अल्लाह सजनी को हमेशा खुश रखे, बहुत अच्छी बच्ची की तारीफ है। क्या असल जिंदगी में भी ऐसा होता है? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ ड्रामों में होता है। किसी की ऐसी लेकिन ड्रामे भी तो असल जिंदगी में ही बनते हैं ना। नहीं नहीं, बच्चों को तो औलाद की ख्वाहिश ही नहीं है, उन्हें तो बच्चे पसंद ही नहीं है, बच्चे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अरे अदी, अभी मैं बाहर गया था, मुझे कितनी प्यारी बच्ची मिली, ओ अल्लाह मैं क्या बताऊं, दी तूने देखना था उस बच्ची। ये दोनों बहन भाई क्या खिचड़ी पका रहे हैं? लेकिन दादा ऐसी तो बच्ची हमारे पड़ोस में कोई है ही नहीं। नहीं बाबा, है ना एक घर छोड़ के रहती है, वो आदमी नहीं है जो मेरे से कम खूबसूरत है, उसकी बेटी है। हाँ हाँ, वो जो जिसकी आपकी बीवी की जैसी फजल बीवी है। हाँ हाँ बाबा, वही वही वही, अदी इतनी प्यारी थी, मेरा दिल किया कि उस बच्ची को उठा के ना घर ले आओ। वैसे तो अब तक आपकी भी ना बच्ची हो जानी चाहिए थी। हाँ दी, कहती तो तू ठीक है। अदी ये क्या बात कर दी, अभी तो हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है बाबा। मैं कह रही थी कि अगर आपके यहाँ औलाद ही नहीं हुई तो। अरे बाबा नहीं हुई तो नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं सीमा को कुछ नहीं कहूँगा और किसी को कहने भी नहीं दूंगा। अरे बाबा मैं तो मजाक कर रही थी, तुम हरू भरू मेरे पे गुस्सा कर रहे हो। नहीं बाबा, गुस्से वाली बात है तो गुस्सा तो करूंगा ना, बात कर दी है। माना जोरू का गुलाम है, पर बहन की भी कोई इज्जत होती है भला। अबे हाँ यार, क्या ड्रामा है यार, हाँ कमाल ड्रामा बनाया, मैं तो रोज देख रहा हूँ। नहीं देख, तू नहीं देख रहा बस, सजना तेरे प्यार में, ये अब इसमें वो ड्रामा ना जिसमें हीरोइन नहीं, जिसका नाम है सजनी, हाँ उसका नाम सजनी, हाँ क्या रोल कर रही है, वाह 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 वाह, अभी अपने शौहर की ना दूसरी शादी खुद करा रही है, देखो हाँ ना। और यहाँ देख हमारी किस्मत, एक शादी के लाले पड़े में, वहाँ बीवियाँ दूसरी शादियाँ करा रही है। बस भाई ऐसी औरत ना माशरे के लिए मिसाल है। मैं तो दुआ करता हूँ या अल्लाह ऐसी बीवियां सबको अता फरमा। आमीन। चल नहीं अभी जरा खाना बनाना, मैंने बनाना है। ये तो वही ड्रामा है जो मैं देख रही हूँ। अरे बाबा सीमा, तुम किधर चली गई थी, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था, गार्डन में भी गया था, तुम नहीं थी बाबा। अब मैं किसी को कहाँ नजर आऊंगी बच्चू? क्यों बाबा, तुमने सुलेमानी टोपी पहन ली है जो किसी को नजर नहीं आओगी। अब तुम कहाँ गए थे? अरे बाबा वो मैं अपनी कार को लेकर ना ड्राइवर के साथ मैकेनिक के पास गया था बाबा, कार में कुछ काम है, ड्राइवर को भी वहीं छोड़ा है। क्यों, गाड़ी क्या वो ठीक करेगा? अरे नहीं बाबा, सीमा तुम बहुत भोली हो, तुम्हें नहीं पता है ये मैकेनिक लोग ना बड़े तेज होते हैं बाबा, इनके सर पे ना बैठो ना तो दो कचार कर देते हैं। अच्छा मैं सोने लगा हूं बाबा, थोड़ी देर आराम करूं, सुबह जल्दी उठ गया था, जैसे ड्राइवर आए ना तो मुझे उठा दे, ठीक है।
आ रहा भाई, आ रहा हूँ। हाँ? ये लीजिए चाबी गाड़ी। गाड़ी की चाबी? तेरी इतनी हिम्मत कि सुबह ही सुबह अपनी फैमिली को सीवी घुमाने ले गया तू? अरे नहीं भाई, जरूर तू डेट पे गया होगा। अरे बात तो सुने। ओहो, तो सुबह सुबह बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करते हैं, यानी गाड़ी को स्कूल की वैगन बना रखा है। अरे मैकेनिक के पास गया था साहब के साथ। ओए, तू साहब को गिरवी रखा है मैकेनिक के पास? अच्छा वो बच्चू भाई आप आ गए, मैंने ना चोर पकड़ लिया। अरे बाबा किधर किधर है चोर? ये आपके सामने खड़ा हुआ, किराए पे गाड़ी चला रहा है। अरे बाबा तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे साहब आप ही ने तो कहा था गाड़ी मैकेनिक से लेते हुए घर आ जाना। तो भाई पहले बोलना था ड्राइवर वाले भाई। चलो शाबाश, ये चाबी पकड़ो, गाड़ी अच्छे से साफ कर लेना, शाबाश, पहले बताना था यार। काम खबर, आपने भी बच्चे भाई बहुत ही डांट दिया उसको। अरे बाबा ज्यादती तो हो गई है मुझसे, लेकिन बाबा ये गलत फहमी तो तुमने ही पैदा की थी ना अभी। अरे बाबा तबीयत तो ठीक है तुम दोनों की होते हुए इतनी खामोशी? असल में शोर शराबे की आदत है ना, खामोशी इसलिए बुरी लग रही है। बाबा बुरे तो तुम भी लगते हो, सीमा की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे मैडम इतनी सी बात पे इनको घर से निकालना अच्छी बात थोड़ी है, खाम खा बाड़े में जाके रहेंगे फिर। नहीं नहीं जानी बाबा, ये भी हो सकता है कि तुम्हें नौकरी से निकालने का तय कर लिया हो। ओफो बला सुनो तो लो, हो सकता है कि बाजे को मेरी शादी करने का ख्याल आ गया हो। बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे शादी की ही बात करनी है। देखा देखा बाजे को मेरा कितना ख्याल है। लेकिन तुम्हारी शादी की नहीं। देखा था सही, शादी का ख्याल आया भी तो मेरा नहीं जानी गया। अरे हो सकता है इनको हमारी शादी का ख्याल आ गया है तो अच्छी बात है, घर की बात घर में रहेगी। क्या 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 बकवास करने जानी, अपनी शक्ल देखी है तुमने? आधा देख रहे, ये क्या बोल रहा है? अरे बाबा जानी तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरे क्या हो गया तुम सबको, मुझे बच्चों की शादी करनी है। अच्छा अच्छा मेरी शादी की बात करे? क्या मेरी शादी? पापा मैं तो समझती थी कि तुम लोग शायद मियां बीवी हो इतने साल से। अरे अदी क्या बात करती है, हम दोनों मियां बीवी ही हैं बाबा। मैडम आप क्यों रही, अपने शोहर की दूसरी शादी? बस मुझे कुछ भी नहीं कहना। मुझे लगता है मैडम बीमार हो गई है, नींद में चलने की बीमारी है। हाँ बाबा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, शायद इसकी कोई तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बाबा मुझे लग रहा है समझ नहीं आ रहा सीमा को क्या हो गया है। लो भला बताओ, बेवा होने की उम्र में सौगन ला रही है। बकवास बंद करो, चलो जाओ यहाँ से, बात करता है। कुछ ज्यादा ही फ्री हो जाता है। बाबा चाय मेरे लिए ना। हेलो, हाँ जी, दिल मिले गुल किले बेरिज ब्रो, बाबा एक छोकरी की जरूरत है। जी मैडम, घर के काम के लिए? अरे बाबा घर के लिए कोई मासी की जरूरत नहीं है, अपने अदा की शादी करने के लिए कोई छोकरी की जरूरत है, छोकरी चाहिए। जी जी जरूर। अच्छा ठीक है, देखो बात सुनो, छोकरी जो है ना वो खूबसूरत होनी चाहिए, बाकिरदार होनी चाहिए और कम बात करने वाली हो, खाना अच्छा बनाती हो, खानदान में उठना बैठना जानती हो, ठीक है? मैडम ऐसी लड़की मिल जाए तो मेरे पास भी भेज दीजिएगा। अदा भला तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ क्या क्लाइंट से भला ऐसे बात करते हैं? माफ कीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है भला, जब ऐसी छोकरी मिल जाए तो इस पते, मेरा मतलब है कि इस फोन पे फोन करके बता देना। खुदा पीस। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा सीमा तुम अच्छा मजाक करने लगी हो। मैं मजाक नहीं कर रही बच्चों, मैं वाकई तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। लेकिन बाबा सीमा ऐसा हो क्या गया है बाबा? ना मुझे सजनी जैसी बनना है। बाबा तुम तो सजनी हो। सच? हाँ बाबा मैं तुम्हारा सजना, तुम मेरी सजनी। नहीं बच्चू, मैं वो सजना तेरे वाली सजनी की बात कर रही हूँ। बाबा वो क्या है? अब छोड़ो बच्चू, बस तुम नहीं समझोगे। लेकिन बाबा मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता हूँ। बच्चू मैं तुम्हें औलाद नहीं दे पाई ना, इसलिए बस तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अरे बाबा सीमा कौन से 10-15 साल गुजर गए हैं हमारी शादी को जो तुम इतनी जज्बाती हो रही हो। बाबा 4-6 महीने के बाद सोच लेना। तो बच्चों जो बाद में सोचना है अभी क्यों नहीं? अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, बस तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी बच्चों। सीमा अरे बाबा ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई मेरी दूसरी शादी को लेकर।
पर रिश्ते आजकल बहुत ही मुश्किल से मिल रहे हैं कोई अच्छे वाले। कहाँ रह गई, आ क्यों नहीं रही? आइए 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 यहाँ यहाँ आइए। वाह 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 वाह, क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान, अरे ईमान से अच्छी लग रही है आप। जरा घूमे, जरा इस तरफ घूमे, दाएं मुड़े दर्जा। अब खड़ी क्यों है, बैठे ना। अच्छा अच्छा, जाने जॉनी, ये कौन है और तुमने इसको अपने साथ क्यों बिठाया हुआ है? अरे भाई, मैंने इसलिए अपने साथ बिठाया, अगर मेरे साथ अच्छी लग रही है ना तो फिर बच्चू भाई के साथ अच्छी नहीं लगेगी, तो थोड़ी सी ट्राई कर रहा हूँ मैं। अच्छा बस, हाँ भला तुम कौन हो? वो आमना खाला है ना, जो साथ वाली है, जो रिश्ते कराती है, उन्होंने भेजा है मुझे। हाँ पापा, मैंने भी एक मैरिज ब्यूरो में फोन करके बोल दिया है कि मेरे को एक अच्छी सी खूबसूरत सी लड़की की जरूरत है, मुझे अपने अदा की शादी करानी है। अरे बाबा, ये सब क्या हो रहा है? फिर तुम लोगों ने लड़की बुला ली है? आपके लिए लड़कियां पसंद कर रहे हैं? अरे बाबा, तुमसे किसने कहा कि मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ? लो बला, भाई ने खुद बोला है। अरे बाबा, उसने कह दिया और मैं कर लूंगा। बाबा मैं नहीं कर रहा दूसरी शादी। वैसे जानी, वो बुरके वाली का कौन है बाबा? वो तो आपसे शादी की ख्वाहिश रखती है। है बाबा, फिर मुझे सीमा की बात पे ना सोचना पड़ेगा। आप क्यों बैठी हुई है? आप तो जाए ना। और हाँ, अमीना खाला को मेरा सलाम देना, ठीक है? चलो शाबाश, जाओ जाओ। बच्ची भाई को पसंद आ गई? हाँ, पर तुम ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे, मैं देख रही थी तुम्हें। नहीं, अबे ये जानी है ना। कौन, वो बच्चू का मुलाजिम? हाँ, ये बता रहा था कि यार बच्चू की शादी हो रही है। क्या वाकई? हाँ बाबा, क्या बच्चू भाई, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था यार, बड़ी उम्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ बाबा, कौन क्या बता रहा था मेरे बारे में? आपके बारे में कुछ बता रहा था बच्चू भाई। हाँ बाबा, क्या बता रहा था? अरे मैंने यार जानी बता रहा था हमको कि आपकी दूसरी शादी हो रही है। और आपकी बीवी ने आपको कुछ नहीं कहा? हाँ बाबा, मेरी बीवी मेरी दूसरी शादी करवा रही है। क्या? हाँ बाबा, क्योंकि मेरे वैसे भी रिश्ते तो आते ही रहते हैं ना, लोग समझते हैं मैं अभी तक कुंवारा हूँ। यार बच्चू भाई, बड़ी बात है यार। अच्छा एक बात बताओ, भाभी शाम में फ्री होती है क्या? क्या मतलब बाबा? अरे मतलब मेरा यह है कि भाभी के पास अपनी बेगम को भेजूंगा यार ट्यूशन पढ़ने के लिए। वो क्यों बाबा? अरे वो असलम दूध वाले की बेटी है ना, वो इसको बहुत पसंद है। अरे बाबा खबरदार खबरदार, किसी दूध वाले की बेटी को तुमने देखा भी सही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बाबा। बात करते हैं, इसको क्या हो गया? एक तो भाजी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने इतना अजीब सा फैसला क्यों किया है। बस जरीना, मैं भी सजनी की तरह कुर्बानी देना चाहती हूँ। सजनी? अरे असलम कसाई की बेटी? अरे कुर्बानी तो उसका बाप करता है, वो तो कुर्बानी की टिक टाक बना के लगाती है। नहीं जरीना, वो ड्रामे वाली सजनी की बात कर रही हूँ मैं। सजना तेरे लिए वाली सजनी? हाँ, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे भी ना सजनी की तरह अजीम औरत कह के बुलाए। अरे बाबा, किसी अजीम नामी शख्स से शादी कर लो और तलाक ले लो, लोग तुम्हें खुद ही मिसेज अजीम कहेंगे। तुम कुछ भी कहो जरीना, मैं अजीम औरत बन के दिखाऊंगी और बच्चों की दूसरी शादी करके रहूंगी बस। बाबा बाबा बाबा, लगता है कि ड्रामा भाजे को बहुत जोर से लग गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा, क्या करूं? अरे बच्चू भाई, बच्चू भाई, जरीना आपको अंदर ढूंढ रही है और आप यहाँ टहल रहे हैं। अरे बाबा, मैं उसके साथ छुपन छुपाई खेल रहा हूँ जो मुझे ढूंढ रही है, बाबा यहाँ टहल रहा हूँ, आ जाए। अरे उन्होंने ना किसी बहुत बड़े मैरिज ब्यूरो में आपका रिश्ता दिया। क्यों बाबा, बहुत बड़ा क्यों है? उनके पानी के जहाज जो बहुत बड़ा है बाबा, क्या हुआ, मसला क्या है? अरे भाई, वहाँ लड़के और लड़कियों का रिश्ता किया जाता है। अच्छा 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 बच्चू भाई, लेकिन एक बुरी खबर है। बाबा बुरी खबर क्या है? वो लड़की है ना, उसने हाँ कर दिया आपके लिए। बाबा तो इसमें ये तो खुशी की खबर है, बुरी की खबर क्या है इसमें बाबा? अरे आपकी दो दो शादी हो रही है, यहाँ एक भी नहीं हो रही। बकवास बंद करो बाबा, जाओ जाकर शादी की तैयारी करो बाबा। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप मेरी मुंह बोली औलाद हो। जाओ, बात करता है मुंह बोली औलाद हो, सही टाइम पे शादी होती तो इतनी तो होते बच्चे तुम्हारे। शादी वाले दिन अपना घर छोड़ गए ताकि भैया नई दुल्हन के साथ टाइम गुजार सके। वाह सजनी वाह, क्या कुर्बानी दी है, लोग मरते दम तक याद रखेंगे, एक तुम्हें और एक मुझे। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।
अरे बाबा नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या पहने बाबा। बच्चू भाई ये बस इसी में अब एडजस्टमेंट करनी है, शेरवानी वरमानी तो नहीं मिली मुझे, ये है ये ले। सॉरी वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, खुशी ज्यादा देर की मुझे लग नहीं रही। अरे बाबा शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी करता है, इसी बात का तो रोना, शक्ल भी अच्छी है अकल भी अच्छी है लेकिन मेरी लाइफ में औरत का दखल नहीं है। अरे बाबा उसके लिए ना मेरी जैसी अच्छी किस्मत का होना जरूरी है। अरे वो तो सीमा मैडम की मेहरबानी है बल्कि सजनी की मेहरबानी है, देखना आखिरी किस्त तक पहुँचते पहुँचते कहानी टेढ़ी ना हो जाए बल्कि आपके कपड़ों पे पानी ना फिर जाए। अरे बाबा क्या मतलब है पानी फिर जाए कपड़ों पे? अरे मेरा मतलब है उम्मीदों पे पानी। अच्छा बाबा बकवास मत करो, ये लो ये पकड़ो बाबा कपड़े और दर्जी के पास जाके इसको थोड़ा सा ढीला करवाओ, और हाँ बाबा साथ में वो जरा हार फूल भी लेते आना ना। ढीला कराना ना? हाँ बाबा ढीला करा, मैं अभी ढीला करा के आता हूँ। धुलवा भी लेना बाबा। आज तुम्हारे बच्चों की शादी है सचनी, तुम्हें तो घर से जाना ही होगा। देखिए मेरा नाम तो सीमा है लेकिन फिर भी लोग मुझे असीम औरत कह के याद करेंगे, मेरी कुर्बानी की मिसालें दिया करेंगे। अरे खैरियत, इतने फूल आपने, वो साहब है ना बच्चू साहब? हाँ हाँ, जिनके खूबसूरत से बीवी है। तमीज से बात करें यार। अबे भाई गुस्सा क्यों रहे हो, गलती हो गई। हाँ 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 भाई, वो उनकी जो वाइफ है अपने शौहर की दूसरी शादी करा रही है। क्या? अपने शौहर की दूसरी शादी करा रही है। क्या? अबे क्या चौथी दफा शादी कराएगा, तीन दफा बोल चुका हूँ लेकिन तेरे मजा नहीं खत्म हो रहा है। अरे ये बात नहीं है, मगर शादी के हार के अलावा मैयत के फूल क्यों ले रहा हो? हाय बच्चू भाई के किस्मत का तो तुम्हें पता कितनी खराब चल रही है, कुछ पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, है ना? अच्छा ये बताओ तो बच्चा बच्चा है, उठा के ले जाओ। अबे भाई ले जाओ यार खुद ही। चलो यार तक उत्सव में क्यों उठा लेता हूँ मैं। जी और कोई तो आने वाला नहीं है, शुरू करें। भाजा ही नजर नहीं आ रही। वो कौन है? अरे बाबा मेरी वो पहली वाली बेगम। वो भी आ रही है, कहाँ है? काजी साहब जल्दी से निगाह पढ़वाएं, अगर वो आ गई ना फिर हमारी गारंटी नहीं है। अरे पापा किस बात की गारंटी नहीं है, उसने खुद ही ने तो बोला है। हाँ काजी साहब आप शुरू करें। हाँ ठहरो, लो शेरनी आ गई। अरे भाई आओ बैठो बैठो, निकाह होने वाला है, ये शादी नहीं हो सकती। लो जी दूल्हे की माँ आ गई। ये इनकी माँ है? नहीं नहीं नहीं, ये तो इनकी बीवी है। अमूमन आपने फिल्मों में देखा होगा दूल्हा की माँ यही डायलॉग कहती है। अरे आखिरी किस्त आ गई है। अरे बाबा किस चीज की किस्त आ गई है, हमने तो टीवी कभी किस्तों पर नहीं लिया बाबा। नहीं बच्चू, सजना तेरे लिए की आखिरी किस्त, और आखिरी किस्त में ना सजनी को एहसास हो जाता है कि वो गलत सोची थी, उसका शौहर तो हमेशा उसके साथ रहेगा, है ना बच्चू? बाबा अब बिल्कुल सही कह रही, मैं तो पहली दूसरी शादी के खिलाफ था, मगर बाबा इस लड़की का क्या होगा बेचारी जो शादी करने आई है जानी। हाँ ना पापा देखो, एक तो यहाँ किसी की शादी नहीं हो रही और जिस बेचारी की शादी हो रही है उसकी शादी रोक रहे, बाबा बहुत तो गुनाह मिलेगा, बहुत तो गुनाह। अरे नहीं नहीं, इसका हल भी था आखिरी किस्त में। अरे बाबा ये तुम्हारी किस्त है ये ड्रामे की, या वो आया है आपके मसाइल और उनका हल, उनका प्रोग्राम है बाबा। आपके मसाइल और उनका हल? हाँ बाबा वही वाला वही वाला। आखिरी किस्त में इस लड़की की भी शादी हो जाती है। किससे बाबा? नौकर से। क्या नौकर से? हाँ, और इस घर में एक ही नौकर है और वो है जानी। जानी को शादी करनी होगी इससे। अरे बच्चू उठो उठो जरा, बच्चू बच्चू भाई उठे उठे बाबा। काजी साहब क्या सुमुम बुकमन बन के बैठे हुए, निकाह पड़ा है। हाँ काजी बेटा जल्दी से निकाह पढ़ाओ। अम्मी जान। अरे अम्मी जान कहाँ, मैं तुम्हारी होने वाली दुल्हन हूँ, ये इस मैरिज बेरो की पहली क्लाइंट हूँ मैं, इतने सालों बाद तो अब रिश्ता आया इसलिए मैं आ गई।
पहली क्लाइंट है मेरा मजाक। या अल्लाह, तेरा और सजनी का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे ज़िबा होने से बचा लिया है बाबा। अरे काजी साहब जल्दी करो, लड़की बड़ी मुश्किल से लंबी है बाबा, जल्दी करो निकाह पड़ा बाबा। लड़की अंधे हो गए बच्चों भाई, औरत को लड़की बोलो। अरे बाबा आप शुरू करें, काजी साहब शुरू करें। मुझे तो जाने दो। अरे बाबा शुरू करें, मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा। बिस्मिल्लाहिर मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीमा मैडम से बात करनी थी तो फोन पे कर लेते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। दिमाग खराब नहीं करने का, वैसे मैं बहुत थका हुआ हूँ। अगर थके हुए थे तो मालशी को अपने घर बुला लेते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। अरे बाबा भी तुम गलत बात करोगे, मैं हाथ तो छोड़ दूंगा। अरे नहीं बच्ची भाई, हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। इस मोहल्ले में कोई इज्जतदार है? वाह बच्चू भाई। और अगर इस मोहल्ले में कोई नेक आदमी है तो वो आप हो बच्चू भाई। इस मोहल्ले में कोई सबसे ज्यादा समझदार आदमी है तो वो भी आप ही हो बच्चू भाई। कुछ दिन के लिए तुमको यहाँ पर छुपाने का। अरे बाबा यहाँ कोई छुपन छुपाई नहीं खेलता है। मुझको खेलना नहीं है, मेरे को छुपना है, छुपने दे। अच्छा पहले तो फिर ऐसा करो कि आप सोफे के नीचे छुप जाओ। बताओ करना क्या है। अच्छा ऐसा करते हैं ना कि देखो सेठ साहब की जान भी बच जाए और अपन लोगों को इनाम भी मिल जाए। अरे भाई बस पैसे मिल जाएं, जान की तो खैर है, और कितना छुपेंगे भाई। खबरदार खामोश हो जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। अरे बाबा गोली, आपके पास बंदूक है? और क्या फायर मुंह से करेंगे। हाँ बाबा हो सकता है, आजकल चल रहा है। अरे भाई रखो ये पुराना सामान अपने पास। तमीज से बात करने का। मैं तो कह रहा हूँ कि बात ही नहीं करने का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इम्प्रोवाइज नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जोनो करवो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।